हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं महिंद्रा के शोरूम में और मैं आपको स्कॉर्पियो N दिखाने जा रहा हूं। और यहां पर बाहर ही मुझे एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो मिल गई, तो मैंने इसका एक क्विक वीडियो बना लिया है। आप देखिए ज़रा इसको। इसका साइड प्रोफाइल है, गाड़ी देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आप जैसे इसको देखेंगे यहाँ पे, उसको आपको हेडलैम्प दिख जाएगा और नीचे फॉग लैम्प, महिंद्रा का लोगो। गाड़ी देखने में बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे साइड मिरर वगैरह है। कर हम अंदर से रिव्यू करें तो यहाँ पर दरवाजे पर आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे, विंडो पावर और सॉफ्ट टच मटेरियल है। नीचे बॉटल होल्डर है। यहाँ पर स्टेयरिंग्स पर भी काफ़ी सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं, जैसे आप देख रहे हैं इसका डिस्प्ले मिरर, कंट्रोल्स स्टेयरिंग पर, महिंद्रा का लोगो। और यहाँ पर डिस्प्ले दिया हुआ है और उसके नीचे एसी के वेंट्स कंट्रोल्स हैं और कुछ बहुत सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं। हैंड ब्रेक है और ऑटोमेटिक गियर सिस्टम। ये ऑटोमेटिक गाड़ी है स्कॉर्पियो। उसके बगल में ही आपको कप होल्डर मिल जाते हैं दो, और यहाँ पे आर्म रेस्ट है और अंदर थोड़ी सी जगह है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ग्लव बॉक्स भी एक छोटा सा दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा सामान नहीं रख सकते आप, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत रख सकते हैं। ऊपर आपको यहाँ पे एसी का वेंट्स दे दिया है, ऊपर लाइट्स हैं और इसमें आपको सनरूफ भी दिया गया है। मैं आपको दिखा दूँ, सनरूफ दे दिया हुआ है यहाँ पर। इंडियन वेदर के हिसाब से इतना यूज़फुल नहीं है, पर दिया हुआ है तो अच्छी बात है। यहाँ पर आपको स्टार्ट और स्टॉप बटन मिल जाता है। डिस्प्ले वगैरह सॉफ्ट टच मटेरियल है। सोनी के स्पीकर्स दे दिए हैं आपको। साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मैं सुना नहीं सकता लेकिन बढ़िया है साउंड क्वालिटी। MRF के टायर दे दिए हैं डायमंड कट अलॉय व्हील के साथ। बैक साइड भी डोर में सॉफ्ट टच का ही इस्तेमाल किया गया है। और जैसे आप अंदर जाएंगे, अंदर आपको AC का वेंट्स दे दिया है। सीटिंग पोजीशन भी ठीक ठाक ही है, अच्छी है वैसे तो देखा जाए तो। मैं बैठ के दिखाता हूँ आपको। लेग रूम काफ़ी अच्छा मिल जाता है इसमें, और थाई सपोर्ट थोड़ा सा मुझे लगा कम है, लेकिन कंफर्टेबल है सीट्स। बढ़िया बढ़िया गाड़ी है। बाजू में इसके आर्म रेस दे दिया है। कुछ इस तरह का इंटीरियर दिखता है अंदर का। बैक साइड में आपको हैंडल दे दिया ओपन करने के लिए। स्कॉर्पियो N का बेजिंग, महिंद्रा का लोगो, डिज़ाइनर टेल लैम्प। हम जैसे इसको खोलेंगे तो बूट स्पेस इसमें बिल्कुल नहीं दिखती, और इसका सीटिंग भी पुरानी स्कॉर्पियो की तरह नहीं है, इस तरह से कर दिया है। और अगर इसको हम ओपन कर देते हैं तो बिल्कुल ही कम जगह है यहाँ पर। इसको हम फोल्ड करेंगे तो आपको जगह मिल जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।